आज़ादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू एल्मस्ट को भारत का सबसे पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। यह 15 अगस्त सन 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पे सेना बने रहे। और जैसा कि आपको पता ही है कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है हमारी भारत, और इन इकाइयों को मजबूत बनाए रखती है इनको इनका फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान फाइटर जेट, वो हथियार जो युद्ध के मैदान में अहम भूमिका निभाती है। तो गाइस आइए जानते हैं कुछ भारतीय राफेल के बारे में। नए व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे। भारतीय वायुसेना में कुछ ऐसे राफेल शामिल हैं जिनकी आवाज़ सुन के ही दुश्मनों की रूह कांप उठती है। उनमें से एक है सुखोई, दूसरी है मिंग 21। तेजस के बारे में आपका क्या ख्याल है? और जैगवार और मिराज का तो कहना ही क्या। ये पांच हमारे कुछ ऐसे राफेल है जो हमारे वायुसेना की इकाइयों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाए रखती है। 1965 की वॉर में जब पाकिस्तान अचानक से इंडिया एयरफोर्स पे हमला कर दिया, जिसमें 35 फाइटर जेट धराशायी हो गए थे। आपको पता है लड़ाकू विमानों में GPS रिडार ना लगे होने की वजह से लीडर विलियन ग्रीन भारत के बजाय पाकिस्तान में लैंड कर गए थे। यानी कि भारत में लैंड होना था तो उस समय वो पाकिस्तान में लैंड कर गए थे। और यह वह वक्त था जब भारत देश दूसरे देश से फाइटर जेट खरीदता था, पर अब भारत के स्वदेशी मॉडर्न फाइटर जेट तेजस को अमेरिका जैसे देश भी खरीदना चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर जेट विमान यानी कि LCA को शामिल करने की तैयारी सन 1983 में ही शुरू हो गई थी, और गवर्नमेंट को ग्रीन झंडी मिलने से यहाँ के एस्ट्रोनॉट अपने मिशन को अंजाम देने में दिन रात एक कर दिए। और इसके दो मकसद के अनुसार, इसका पहला मकसद रूसी फाइटर जेट मिंग 21 के विकल्प में एक न्यू फाइटर जेट को तैयार करना, और दूसरा मकसद ये था कि वह देसी और हल्के से हल्के जेट को बनाया जाए जिसके पार्ट पुर्जे ज्यादा से ज्यादा अपने भारत में ही बने हो। बात करें तेजस की तो तेजस फाइटर जेट की कई अपनी खूबियां हैं। तेजस के कई पुर्जे भारत में ही तैयार किए गए हैं। यह मात्र 450 मीटर के रनवे पर भी उड़ान भर सकता है। तेजस के कई पुर्जे भारत में ही तैयार किए गए हैं। आपको पता है यह मात्र 4,500 मीटर के रनवे पर उड़ान भर सकता है। वजन की बात करें तो तेजस फाइटर जेट का वजन ओनली 6,500 किलोग्राम है। बाकी विमानों से हल्का होने की वजह से यह एयरफोर्स की शान है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।